হলো তোর বেরোতে হবে কতক্ষণ বাকি আর হ্যাঁ বেরোতে হবে ইয়েস গাইস উই নিড টু গো টুডে ওয়্যার আই উইল বি টেলিং টু ইউ লেট দ্য ভিডিও কন্টিনিউস কারেন্টলি ইটস 1849 অ্যান্ড আই এম স্টিল উইদ ইন দ্য ওয়ার্ক হ্যাঁ আজ কাম থোড়া স্ট্রেচ আউট হো গিয়া হ্যায় অ্যান্ড আই হ্যাভ টু জাস্ট গেট আউট অফ দ্য হাউস নাও অনলি আনলেস উই উইল বি মিসিং দ্য ট্রেন লাগতা হ্যায় রাস্তে মে কাম করনা পড়েগা নো ওয়ারিস উই আর গোয়িং আউট টুডে ফর ওয়্যার উইচ ট্রিপ অল উইল বি লেটিং ইউ নো ফর দ্যাট স্টে টিউনড एंड हमें सच में पता नहीं था कि ट्रेन कहाँ से डिपार्ट होने वाला है तो ऐसे हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे एंड ये लाइटिंग वाले रास्ते से अंदर जाके ओल्ड कॉम्प्लेक्स में बैठे थे फॉर दोज हु डोंट नो इन हावड़ा देयर आर टू कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ओल्ड वन एंड न्यू वन एंड ओल्ड टू न्यू कॉम्प्लेक्स में देयर इज अ गैप ऑफ 1 किलोमीटर हम लोग ओल्ड कॉम्प्लेक्स में गए थे लेकिन उधर पे ट्रेन का कुछ अनाउंसमेंट नहीं था या कुछ दिखा भी नहीं रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि अरे एक बार इंक्वायरी में जाके पूछ लेते हैं एंड ओवर देयर वी फिगर्ड आउट इट इज़ ए न्यू कॉम्प्लेक्स तो उधर से पूरा चल के इधर तक आना पड़ा तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे এটা কি ব্যাপারটা কি কেসটা কি হলো এইটা আমাদের সিট दिस इज़ आवर यू नो द डोर डोर के बाजू में ही एंड वी आर इन इकोनॉमिक इट्स 3 इकोनॉमिक सो आप देख सकते हो पूरा पहले से ही सब कुछ भरा पड़ा है आई थिंक दिस आर द ब्लैंकेट्स एंड समथिंग आई थिंक सो दिस आर द ब्लैंकेट्स एंड ऑल ये सब कुछ भरा है ये लगेज हमारा है लेकिन ये जब हम लोग आए हैं ना ये बैठने का जगह ही नहीं था ऊपर तो ইকোনমিক সেকশন 3 ইটস বিন লঞ্চ ইটস ইউ ক্যান অলসো রিলেট উইথ দ্য ইন্ডিগো শুরুতেই শেষ হয়ে গেল আপ সিট কা লেন্থ মতলব উইথ আই শুড সে দেখ সকতে হো 785 সেখানে তুমি 2 টায়ার কাটলে আর 1200 1500 তো হয়ে যাবে 3 টায়ার দিয়ে কাটলাম এইটা আমি ডিসিশন হ্যাঁ ওকে মদরও ওটা মানে পাঁচ সালে টিকিট ছিল কালকে বাট কালকে ওটা তোমার বুকিং মানে সকালবেলা ছিল And it's a very common issue of 3 and we talk to the coach attendant and thus we get separate seats to sleep.
हम ये गुम हो ही नहीं। यस, रात पे सोए नहीं थे बिकॉज द सीट के जो विड्थ है ना वो थोड़ा कमी है, एंड इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो छोड़ ही दो उसके लिए। एंड इट्स कम्प्लीटली माई ऑब्जर्वेशन दैट सीट्स लाइक एसी कोचेस आर मच मोर इन कंपेरिजन टू द स्लीपर्स। इंसान के नीड भी एसी है तो इसके लिए जितना वो कोचेस बढ़ा रहा है उतना कहीं पे चीप रेट पे एसी भी दे रहा है एसी कोच, एंड सो देर इज़ अ डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी इन क्लीनिंग प्रोसेस। तो बहुत कुछ इधर पे दिखाया नहीं है लेकिन क्लीनिंग थोड़ा गंदा तो था। इट्स अ नेसेसिटी ऑफ वी पैसेंजर्स एंड द रेल अथॉरिटी टू लुक इन टू इट, बट आई मस्ट से रिमेनिंग थिंग्स वर रियली ओके। टिश्यू रोल इज़ बीन प्रोवाइडेड इन द वॉशरूम, प्रॉपर वाटर सप्लाई इज़ देयर, जेट स्प्रे वॉज देयर, एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश इज़ ऑल्सो देयर, स्विच वाला फ्लैश। एंड अबाउट द कोच, ऑल इज़ ओके एक्सेप्ट द पुल डाउन वाला कर्टन विच इज़ फॉर कॉस्ट कटिंग ओनली। सेवन थर्टी को हम लोग स्टेशन पहुँचे, जगन्नाथ एक्सप्रेस लिए थे हम लोग हावड़ा से, एंड वी रीच्ड पुरी। पुरी इज़ द प्लेस ऑफ जगन्नाथ जी, एंड पुरी के बारे में कितना बोलूँ, इट्स नॉस्टैल्जिया फॉर मी। आई एम कमिंग हियर फ्रॉम चाइल्डहुड एज लाइक तारकेश्वर, एंड पुरी इज़ नॉस्टैल्जिया फॉर द रेस्ट ऑफ द बंगालीज आउट देयर। पुरी, दीघा एंड दार्जिलिंग, दिस थ्री you know constitutes the puda if you say in bengali। station se nikalte hi hame jagannath ji ka vibe mil gaya hai, he was playing wonderful music but uske liye hum log ruk ke sun nahi paye, wo problem hai क्योंकि हमें ऑटो लेना था। पूरा रात जगे हुए थे ट्रेन पे और ऑटो लेके भाग के होटल जाना था हमें। भाई ने बहुत झगड़ा करके बार्गेनिंग करके एक ऑटो तो लिया, लेकिन उस ऑटो में चलने वाले थे हम लोग सिर्फ तीन, लेकिन ऑटो वाले ने अपना पैसा वसूल करने के लिए दो अननोन सवारी को रास्ते से उठा लिया। ओके, सो वी स्टार्टेड गोइंग लाइक दैट बिकॉज मेरा पूरा अटेंशन तब तक सी को देखने के लिए था, एंड मेरे स्मेल भी मुझे आने लग गया था। इतनी बार आई हूँ ना पूरी तो स्मेल से ही पता चल जाता है कितनी दूर है समुंदर। एंड व्हेन आई सॉ द फर्स्ट टाइम, ओ माय गॉड, मैं रियल वाली फीलिंग बोल रही हूँ आप लोगों को, 100 बार भी देख लूँ ना यही फीलिंग आ जाती है। बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम लोगों ने ना होटल बुक करके नहीं आए थे इधर पे, पता ही था जाके बुक कर लेंगे, लेकिन 31st के टाइम में तो हाइप बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट अ होटल। एंड जैसे होटल पहुँचे फिर आया जोर का भूख, तो फिर एकदम से हम लोग आ गए मेरे नोन प्लेस में खाना खाने। इतना सारा मिठाई देखने का मन तो बहुत टाइम से था पूरे ट्रेन पे, तो फिर बैठ गए अच्छे से कचौड़ी दाल मिठाई सब कुछ खाने। तो वो ठूसने के बाद मुझे लगा अरे एक तो खाजा हो ही जाए बिकॉज पूरी में हूँ और खाजा ना खाऊं। सो आफ्टर हैविंग टर्न्स ऑफ स्वीट इन द ब्रेकफास्ट, बहुत जोर का नींद आई थी, एज आई सेड दैट मैंने रात में नहीं सोया था, तो फिर होटल पहुँच गए हम लोग जल्दी से सोने के लिए। एंड उसके बाद क्या किया उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे।